गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा था अवर्गीकृत और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से। आज हम पढ़ेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना। उसके लिए सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग निकालना होता है। ठीक है, फिर बहुलक वर्ग का क्या करना होता है, बहुलक वर्ग कौन सा कहलाता है, वह वर्ग अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बहुलक भी हमने ऐसे ही निकाला था, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती थी वही उस श्रेणी का बहुलक होता था। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखा है, तो हमें सबसे अधिक जिस भी वर्ग अंतराल की बारंबारता होगी वही उस बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब क्या करना होता है, फिर बहुलक वर्ग निकल गया। अब इस बहुलक वर्ग की सहायता से हमें ये बहुलक निकालना है इस सूत्र द्वारा। ठीक है, तो सूत्र क्या है, बहुलक जेड बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे में टू एफ वन माइनस एफ जीरो या एफ नोट भी बोल सकते हैं माइनस एफ टू गुणा में एच। पहले सूत्र में देखेंगे कि ये सब मान कौन कौन से, फिर हम उदाहरण की सहायता से बहुलक निकालना सीखेंगे। तो एल, ठीक है, जेड तो बहुलक हो गया, एल क्या हो गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। हमने पिछले वाले वर्गीकृत बारंबारता में माध्यक वर्ग की निम्न सीमा निकाली थी, यहाँ बहुलक निकालना है तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फिर एफ वन, एफ वन क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, फिर एफ नॉट, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबार वर्ग अंतराल की बारंबारता। एफ टू, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। और एच, बहुलक वर्ग का अंतराल। अब एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, ये उदाहरण देख लिया कि ये बारंबारता बंटन है, इसके से हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वही बनाना चाहो तो आप बारंबारता सारणी बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ। सबसे पहले क्या निकालना होता है, बहुलक वर्ग। ठीक है, हमें ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखी है, अब इससे सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे। बहुलक वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो बारंबारता है देखते हैं, बारंबारता में जो सबसे अधिक बारंबारता होगी, सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 14। 14 के जो वर्ग है वही क्या होता है, बहुलक वर्ग। तो हमारा जो बहुलक वर्ग है बारंबारता सबसे अधिक 14, 14 का वर्ग कौन सा है, 20 से 30 वाला। ठीक है, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक वर्ग वो क्या आया है यहाँ पे हमारा, 20 से 30। ये जो वर्ग अंतराल है वही इसका बहुलक वर्ग हो गया। अब बहुलक वर्ग निकल गया, अब हम सूत्र कौन सा होता है बहुलक निकालने का, बहुलक जेड बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणा में एच। एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग उसकी निम्न सीमा क्या है, ये उच्च, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। तो निम्न सीमा क्या आ गई हमारे पास, 20 प्लस एफ वन। एफ वन क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग क्या है हमारा, ये। तो आप सबसे पहले ऐसा करा करो कि बहुलक वर्ग ये आ गया 20 से 30। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 14। ठीक है, तो वो क्या होता है, एफ वन। ठीक है, इससे पहले वाला होगा वो एफ जीरो, क्योंकि एक से पहले क्या आता है, जीरो। ठीक है, तो जीरो, तो वो उस एफ जीरो हो जाएगी। और एक के बाद वाला, एक के बाद क्या आता है, दो। ठीक है, तो वो एफ टू हो जाएगा। याद रखने के लिए कैसे करोगे आप, कि एफ वन सबसे पहले बहुलक वर्ग की बारंबारता, उससे पहले वाली बारंबारता, पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता एफ जीरो, और उससे बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता एफ दो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लो एफ वन,
ठीक है, F1 से पहले, 1 से पहले क्या आता है, 0, तो वो F0 हो जाएगा, और 1 के बाद वाली F2, ठीक है, याद रहेगा। तो F1 कितना है, 14, F0 12, F2, तो पहले क्या रहेंगे, 2F1, 2F1, तो 2 से F1 को गुणा करना है। F1 कितना है हमारे पास, 14 माइनस F0 12 माइनस F2, F2 कितना है हमारे, 10, गुणा में H। H क्या होता है, बहुलक वर्ग के बीच का अंतराल, बहुलक वर्गीय इसके बीच का अंतराल कितना है, 20 और 30 के बीच का अंतर कितना, 10, तो गुणा में 10, तो 20 प्लस 14 में से 12 गए तो 2 बटे में 14 को 2 से गुणा किया तो 28, माइनस 12 माइनस 10 गुणा में 10, ठीक है, तो 20 प्लस 2 को 10 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 20 बटे में 28 में से 12 और 10 घटाने हैं, तो 12 और 10 कितने हो गए, ये दोनों घटाना घटाने ही है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 12 और 10 कितना है, 22, तो 28 में से 22 गए तो 6, तो 20 में 6 का भाग देना है, 20 में 6 का भाग, 6 तिया 18, कितना बचा, 10, 10 में से 8 गए तो 2 और 1 में से 1 गए तो 0, 2, ठीक है। अब 6 में 2 का भाग, पहले 2 आया पहले, फिर आगे कोई अंक नहीं है तो अपन नहीं उतारेंगे, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले दशमलव, ठीक है, फिर दशमलव लगाने के बाद क्या, 0, तो 6, वही 6 तिया 18, फिर आगे वापस, ठीक है, 2, फिर वापस, अब लगा देंगे वापस 0, तो कितनी बार वापस गया, फिर आ गया 2, अब ये बार बार में चल रहा है, तो दशमलव के कितने अंकों तक निकालना होता है, 2 अंकों तक, ठीक है, तो हमने दशमलव के 2 अंक तक, तो इसका मान क्या जाएगा, वैसे 3.3333 ये आता जाएगा, ठीक है। तो हम दशमलव के सिर्फ 2 मानों तक लेते हैं, अगर 3 के बाद यहाँ 5 होता, 3 के बाद जैसे 3.3353 ऐसे होता, ठीक है, दशमलव के 2 अंक लेने हैं, लेकिन 3 के बाद 5, 5 या 5 से ज़्यादा आए तो उससे पहले वाला जो अंक है वो एक बड़ा हो जाता है, तो ये जो मान है वो उसको हम क्या लिखते, 3.34, ठीक है, 3 से ज़्यादा एक मान ज़्यादा हो जाता, लेकिन यहाँ 3 के बाद 3 से बड़ा कोई भी अंक नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसको, 3.33 ही लिखेंगे, समझ में आया। वापस देखो कि अगर दशमलव के 2 अंकों के बाद यदि अगला अंक बड़ा होता 5 या 5 से, जैसे कि 3, ये 2 अंक है 3 और 3, 3 के बाद अगर कोई भी अंक 5 होता या 5 से बड़ा होता, तो उससे पहले जो वाला अंक है वो एक बढ़ जाता है, जैसे 3.34, अब इसमें 3 के बाद कोई भी बड़ा अंक नहीं है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 3.33, ठीक है, तो क्या आ गया, 3.33, तो 20 प्लस 3.33, तो 20 में 3.33 जोड़ेंगे, 20, 3.33, 3 जोड़ा 3 जोड़ा 0.3, तो क्या आ गया, 23.33। तो इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक निकाले तो उसका क्या आ जाएगा मान, 23.33, ठीक है, थैंक यू। आज हमारी 17.8 तक कंप्लीट हो गई, ठीक है, मैंने सारी 17.8 तक, मतलब पूरी प्रश्नावली आपको बहुलक तक समझा दी है, अब इसके बाद है विविध प्रश्नावली जो आपको खुद करनी होगी, ठीक है, तो विविध प्रश्नावली में कितने सवाल दे रखे हैं आपको, 22, ठीक है, तो आप इन सवालों को पहले करने की कोशिश करना, और जो नहीं आए वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, तो ये सारे के सारे वही सवाल हैं जो
मैंने आपको समझा चुकी हूँ, वही है, बस सिर्फ अंकों का बदल है। अगर अंक सारे से बदल के और सवाल ले तो आप इनको कोशिश करना, ठीक है? नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपको इसके दो चार सवाल जो मुझे लगेंगे कि आपसे नहीं होंगे या थोड़े टफ हैं, मैं उनको करवा दूंगी, या आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।